कॉफी रहा हूँ असलकुम बच्चों क्या हाल है आवाज आ रही है मेरी हम कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे ठीक है कौन कौन आप लोग बाते सारी बातें सारे टाइम दे रहे हो वैसे ही है चलो बस सही है आज की क्लास में आपको आयार की जो मोटी मोटी बातें हैं ना सारी या जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी की सारी रिवाइज करवा देंगे इंशाल्लाह थीरीज को अंडरस्टैंड करने में किस चीज को मसला है ठीक हो गया बस मैं कोशिश करता हूँ उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ठीक है चलो पहले ना हम थीरीज को रिवाइज करते हैं उसके बाद ना कोई आप लोगों को छोटे मोटे सवाल होंगे ना तो फिर मैं उसका साथ साथ जवाब देता जाऊंगा ठीक है और यार थीरीज को अप्लाई करना कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इट्स द मोस्ट इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड डोंट वरी अबाउट इट सही है मैं सारी करवा देता हूँ ठीक है आपका जो बेसिक कंसेप्ट है ना जो मेरे स्टूडेंट्स हैं Uh, उनका तो इनशाला हंड्रेड परसेंट क्लियर हो जाएगा बाकी की भी जो लोग हैं अराउंड कोई सेवेंटी सेवेंटी परसेंट उन लोगों का भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा लेकिन बच्चों ये है कि जो ना वो रिवाइज शिवाइज वाली कहानी कोई नहीं होनी बिल्कुल यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट वाइल वी आर ट्रेनिंग दिस सेशन लाइक दे वुड बी नो रि रिवीन थिंग ठीक है ना तो जो भी बात होगी आपने ध्यान से सुननी है ठीक है कितनी थीरीज हैं आया की अठारह से उन्नीस है अगर मैं तुम लोगों को तीस एक थीरीज करवा दूँ रिवीजन में तो काफी है रेडी बस्मिल्ला रमान रहीम अच्छा आपके ना आईआर का जहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ ना वहाँ पे सिलेबस के साथ थीरीज़ के साथ ना एक लफज लिखा हुआ डिबेट्स ये डिबेट्स वो चीज़ है जो अक्सर टीचर जो है ना वो पढ़ाते हुए मिस कर देते हैं आईआर का जो आईआर का जो एज़ ए सब्जेक्ट उसकी डेवलपमेंट है ना या आप कह लें कि अगर ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट हुई उस सारे प्रोसेस को जो उसका एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसके अंदर वो इंसान बना मतलब इसी तरह आयार की सब्जेक्ट की जो एवोल्यूशन है आयार के सब्जेक्ट की जो थियोरेटिकल एवोल्यूशन है वो असल में आईआर की डिबेट्स हैं यहाँ पे एक आईआर का क्वेश्चन भी आप जिन में रख लेंगे अगर वो आईआर के सब्जेक्ट की आईआर के सब्जेक्ट की एवोल्यूशन आपसे पूछता है ना तो वो आईआर की डिफरेंट टाइम पीरियड में डिबेट्स होंगी आईआर की जो ना वो चार मेजर डिबेट्स हैं फर्स्ट ग्रेड डिबेट सेकेंड ग्रेड डिबेट थर्ड ग्रेड डिबेट एंड फोर्थ ग्रेड डिबेट ठीक है हर चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो इवॉल्व होती है उसके अंदर नई चीज़ें ऐड होती हैं उसके एवोल्यूशन प्रोसेस में जो है ना वो नई चीज़ें बनती हैं जाहिर बात है जो सबसे अर्लीस्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ मोस्टली अजम्पशन होती है अज्यूम लोग चीजें करते हैं assumptions होती हैं स्टार्ट में ठीक है वो अजम्पशन बाद में विद द विदिज ऑफ टाइम उन एजम्पन्स में चेंजेस होती हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वोशन साइंटिफिक मेथड से आ, बाद में वो क्या होती हैं अपनी सबसे मोस्ट इवॉल्व फॉर्म में क्या हो जाती हैं जनरेट हो जाती हैं इसी तरह आईआर को अगर हम देखें तो आईआर की जो फर्स्ट ग्रेट डिबेट है वो मोस्टली अजम्पन पे बेस्ड है ठीक है इसका टाइम पीरियड भी यही नाइनटीन से नाइनटीन थर्टीज वाला है अब अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे आईआर की दो थीज हैं एक है जी क्लासिकल रियलिज्म और एक है आपकी क्लासिकल आइडियलिज्म या इसको कहते हैं लिबरलिज्म ये सेम चीजें हैं ठीक है अब अगर हम इनको देखें जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेट डिबेट में चीजें कहां पे हैं थियोरेटिकली चीज़ें हैं अजम्पशन पे बेस्ड चीज़ें हैं ये वो मकाम है जहाँ पे आयार के अंदर फैक्टर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत कम थे सिंपल चीज़ें थीं, क्लासिकल रियलिज्म में आपने ये अज़्यूम कर लेना है कि इंसान ना शायद कोई बहुत ही बुरी चीज़ है इंसान बुरा है और क्लासिकल आइडलिज़म में लिब्रज़म में आपने ये अज्यूम कर लेना है कि इंसान जो है ना वो अच्छा है तो अगेन ये किसके लेवल पे डिस्कशन हो रही है ये इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कशन हो रही है इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कशन हो रही है फर्स्ट ग्रेड डिबेट अजम्पशन पे बेस्ड है क्लासिकल रियलिज्म कहती है कि इंसान बुरा है क्लासिकल आइडियलिज्म कहती है कि इंसान अच्छा है एंड दिस लेवल ऑफ एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस अबाउट इंडिविजुअल्स ठीक है तो अब जब भी आपको रियलिज़म के बारे में लिखना है तो इसके अंदर कोई भी जो है ना मुश्किल नहीं है जब भी क्लासिकल रियलिज़म की बात आएगी तो इसके अंदर आपने यही लिखना है कि इंसान क्योंकि बुरा है इंसान क्योंकि पार हंगरी है ठीक है उस पार हंगर में ज़्यादा से ज़्यादा पार को एकट करने के लिए इंसान हमेशा लड़ाइयों की तरफ जाता है यही वजह है कि हमें ओवरऑल दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है और दुनिया के अंदर एक पार स्ट्रगल नज़र आती है ठीक हो गया इसी के अगेंस्ट अगर हम दूसरी साइड पे देखें क्लासिकल आइडियलिज्म में तो उसके अंदर ये होगा कि इंसान अच्छा है इंसान जो है ना वो कॉपरेटिव है लेकिन क्योंकि ये जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट uh, है उसके अंदर इंसान की अच्छाई को वैल्यू नहीं किया जाता और जो इंसान की अनर्जीज़ हैं वो किसी और तरफ लग जाती हैं ठीक है ठीके? उस और तरफ लगने की वजह से दुनिया में जन सारे के सारे मसाएल हैं इसको मैं मतलब थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ क्लासिकल आइडियलज़म ये कहती है कि इंसान ओवरऑल अच्छा है अब अगला सवाल ये होता है कि अगर इंसान ओवरऑल अच्छा है तो फिर दुनिया में लड़ाइयाँ क्यों हैं तो उसका हल ये है कि वो कहते हैं कि इंसान को स्टेट इन्वामेंट में एज एन एंड नहीं कंसीडर किया जाता ठीक है इंसान को कंसीडर किया जाता है एज ए मीन टू अचीव एंड

स्टेट का जो एंड गोल होना चाहिए वो तो ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए ठीक है जबकि दुनिया में क्या चल रहा है दुनिया में ये चल रहा है कि स्टेट का जो एंड गोल है वो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है बल्कि स्टेट का एंड गोल क्या है स्टेट का एंड गोल है कि स्टेट की पावर को जो है ना वो इंक्रीज करना है जब स्टेट का एंड गोल यही है कि स्टेट की पावर को इंक्रीज करना है तो जब ये एंड होना चाहिए था ये इंजाम होना चाहिए था कि दुनिया के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली स्टेट की अंदर डिफरेंट की वजह से एंड जो है ना वो स्टेट पावर है तो जो इस मकाम तक स्टेट को लेके जाएगा इस चीज़ तक लेके जाएगा कि एंड जो है ना इंजाम के बजाय स्टेट पार है तो इसमें इग्नोर कौन हो गया इसमें ह्यूमन जो है ना वो इग्नोर हो गया ठीक है ह्यूमन की डेवलपमेंट की बजाय एंड ये होना चाहिए कि ह्यूमन की डेवलपमेंट की बजाय एंड ये हो जाता स्टेट पार और ह्यूमन को डील किया जाता है एज ए मीन टू अचीव दिस एंड तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट इग्नोर होती है तो अल्टीमेटली वो जो बेसिक फंडामेंटल जो पीस है वो मिस होता है तो उस पीस ना होने की वजह से दुनिया में जगह लड़ाई होती हैं और इसका आपने एंड कंक्लूसिव ये लिखना है कि क्लासिकल आइडियलिज्म में थोरिस्ट यही कहते हैं कि इंसान अच्छा है इंसान कॉपरेटिव है ठीक है अब अगला फिर क्वेश्चन ये आएगा कि ठीक है भाई अगर फिर इंसान कोऑपरेटिव है तो दुनिया में फिर लड़ाइयाँ क्यों होती हैं तो इसका जवाब ये है कि वो है तो कोऑपरेटिव लेकिन इंसान को इंसान की डेवलपमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट को एज एन एंड नहीं लिया जाता ठीक है एंड हमेशा लिया जाता है स्टेट पावर को तो जब स्टेट की एबिलिटीज़ लग जाती हैं स्टेट पावर को इंक्रीज़ करने में तो वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कहीं कही ना कहीं इग्नोर होती है उस इग्नोर होने की वजह से क्या होता है हर जगह पे लड़ाइयाँ होती हैं दिस वाज़ द फर्स्ट ग्रेट डिबेट जिसके अंदर मैंने आपको दो थीरीज पढ़ाई क्लासिकल रियलिज्म और क्लासिकल आइडियलिज्म अब मैं आपको सेकंड ग्रेड डिबेट पे लेके जाता हूं सेकेंड डिबेट में आपने एक बात याद रखनी है कि सेकेंड डिबेट में कोई थीज नहीं डिवेलप हुई ठीक है बल्कि ये डिबेट इस चीज़ पे मुश्तमिल थी कि फर्स्ट ग्रेड डिबेट में उसने सारे का सारा फोकस किस पे डाल दिया उसने सारे का सारा फोकस डाल दिया जो ना उसके ऊपर अजम्पशन की बेस पे कि इंसान अच्छा है या इंसान बुरा है सेकंड ग्रेट डिबेट इस चीज़ पे बहस करती रही कि भाई आईआर को अगर एज ए सब्जेक्ट डेवलप करना है तो इसको अजम्पशन की बजाय इसके अंदर साइंटिफिक मेथड भी इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं ठीक है थीके? इसको साइंटिफिकली भी देखा जा सकता है तो इसी सेकंड ग्रेड डिबेट के बाद जब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि आई को बजाय अजम्पशन की बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ साइंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी हम स्टडी कर सकते हैं तो एक तीसरी ग्रेट डिबेट ने जन्म लिया जिसको कहते हैं थर्ड ग्रेट डिबेट जिसके अंदर दो थीरीज़ ने जन्म लिया जिसको कहते हैं न्यो रियलिज़म और जिसको कहते हैं न्यो लिबरलिज़म अब हम तो जब तैयारी कर रहे थे यकीन करें हमें तो ये भी नहीं फ़र्क पता चलता था कि भाई क्लासिकल रेयलिज़म और न्यो रियलिज़म और न्यू क्लासिकल आइडियलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म में फर्क क्या है तो आपको ये न्यो वाला कंसेप्ट समझ आ गया पहली ग्रेट डिबेट अब मैं यहां पे अगर लिखना चाहूं एक छोटा सा पैराग्राफ कि क्लासिकल रियलिज्म The theory of the first great debate that sees international affairs at individual level. Through the prism of assumption that man is mean in its approach. Okay. इस पर डिबेट भी आ जाती है तो आप स्टार्ट वाला पैराग्राफ भी इस तरीके से लिखोगे अगले बंदे को आप इम्प्रेस करो ठीक है कि क्लासिकल आइलिज़म एक ऐसी थ्योरी है फ़र्स्ट ग्रेड डिबेट की एक ऐसी है कि जो इंसान को देखती है कि इंसान ना मीन है इंसान पार हंगरी है इंसान को हमेशा पार चाहिए इसी के लिए वो स्ट्रगल करता है और सारी गया इसके बाद हमने पढ़ा क्लासिकल आइडियलिज़म कि इंसान जो है ना वो अच्छा है ठीक है लेकिन इंसान को एज ए मीन लिया जाता है एज एन एंड नहीं लिया जाता जिसकी वजह से सारे मसले ख़राब होते हैं उसके बाद आई सेकंड ग्रेड डिबेट कि हर चीज़ को आप अजम्पशन की बेस पे नहीं देख सकते आप चीज़ों को साइंटिफिकली देखें तो साइंटिफिकली जब देखना स्टार्ट किया तो थर्ड ग्रेड डिबेट ने जन्म लिया थर्ड ग्रेड डिबेट के अंदर दो थीरी ने जन्म लिया एक थी न्योरेलिज़म और एक थी न्योलेबलिज़म अब ये दोनों की दोनों थ्योरीज ये दोनों की दोनों थ्योरीज एक बात पे मुतफिक थी ये बड़ी प्यारी बात है आप इसको कहते हैं जब दोनों थ्योरीज एक बात पे मुतफिक होती हैं उसको कहते हैं पॉजिटिव ऑफ थॉट मतलब अगर दो लोग हों और दोनों की बात एक जैसी हो तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ऑफ थॉट देखो मैंने जब कहा बड़ी प्यारी बात है कि मैंने कहा कि थर्ड ग्रेड डिबेट में उन्होंने चीज़ों को किस बेस पे देखना शुरू करना चाहा साइंटिफिक बेसिस पे अब चीज़ों को जब साइंटिफिक बेसिस पे ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे तो मुझे बताएं कि साइंस में क्या ये होता है कि एक तरफ अगर प्लस है और थोड़ी देर बाद वो माइनस होगा ऐसा होता है अगर एक तरफ अप है तो कहेंगे कि थोड़ी देर देर बाद वो चीज़ डाउन हो जाएगी ऐसा नहीं होता दो जमा दो हमेशा क्या होते हैं साइंस में चार रहते हैं आ जाओ टू डिवाइड टू साइंस में क्या होते हैं वन होते हैं मेरा कहने का ये मतलब है कि इस बेस पे जब दुनिया को आप देखेंगे साइंटिफिक बेसिस पे साइंटिफिक बेसिस पे जब आप दुनिया को देखेंगे तो दुनिया आपको सेम नज़र आएगी क्या तो पानी में पकड़ देना वर्ल्ड आपको सेम नज़र आएगी तो ये जो दोनों थीरीज थी ये अज्यूम सेम चीज़ करती थी ये एक ही चीज़ अज्यूम करती थी वो ये थी कि भाई इंटरनेशनल इन्वामेंट के अंदर अनारकी है ये जब आपकी थ्योरी रिवाइज करोगे ना तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि न्यो लिबरलिज़म भी यही कहती है कि इंटरनेशनल लेवल पे अनारकी है और न्यो रियलिज़म भी यही कहती है कि इंटरनेशनल लेवल पे अनारकी है अब यहाँ पे ना एक बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों को शायद ये लगता है कि सिर्फ़ न्यो रियलिज़म वाले ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अनारकी है ठीक है और न्यो लिबरलिज़म वाले ये कहते हैं कि नहीं भाई इंटरनेशनल लेवल पे अनारकी नहीं है तो ये अगर आप ये कहोगे ना तो आपके नंबर ना वो बिल्कुल काट देगा ये एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि दोनों थ्योरीज़ न्यो लिब्रलिज़म और न्यो रेलिज़म इस बात पे दोनों मुतफक हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अनारकी है स्टेट की जो पार्स हैं एक स्टेट बड़ी है एक स्टेट छोटी है तो इस डिवीजन ऑफ पार की वजह से स्टेट्स के दरमियान एक कंपिटिशन हमेशा रहता है और हर स्टेट अपने सेल्फ सर्वाइवल के लिए कोशिशें कर रही होती है अच्छा अब ये दोनों ही टूरिस्ट डिफर कहाँ पर करती हैं दोनों थ्योरीज डिफर करती हैं जब ये सल्यूशन पे आती हैं दोनों थ्योरीज डिफर कहाँ पर करती हैं जब ये दोनों थ्योरीज सोल्यूशन पे आती हैं ठीक है न्यूरलिज्म कहती है कि भाई अगर दुनिया के अंदर अनारकी है मोहल्ले के अंदर लड़ाई हो रही है अगर आपने उस लड़ाई में अपने आप को बचाना है तो क्या करें यहाँ पे वो डिफ़र करती हैं और ये न्यूलिबल भी यहीं पे डिफ़र करती है कि भाई अगर महल में इसी बात को आप इंटरनेशनल लेवल लेके जाएंगे अगर दुनिया दुनिया एज ए महल्ला है इस बात पे दोनों मुतफिक हैं कि महल में लड़ाई हो रही है दुनिया के अंदर लड़ाई हो रही है अब क्योंकि एक ही रवीन क्लास है तो मैं ज़रा मोटा मोटा ही बता रहा हूँ इन डेप्थ में मैं नहीं जा रहा क्योंकि दो डेढ़ घंटे में रिवाइज भी करना है सारा का सारा ये दोनों इस बात पर मुतफिक हैं कि महल में लड़ाई हो रही है ये कहते हैं कि अगर महल में लड़ाई हो रही है तो न्यू रिलिज़म वाले कहते हैं कि भाई अगर अपने आप को बचाना है ना तो पार को कमुलेट करो ज़्यादा से ज़्यादा महल के चौधरी बन जाओ और अमरीका बन जाओ और इतने तगड़े हो जाओ कि कोई आप तरफ देखे भी ना जबकि जो न्यू लिबरलिज्म है वो ये मानती है कि हाँ भी लड़े में लड़ाई हो रही है लेकिन वो ये कहती है कि भाई अगर हर स्टेट पार इकट्ठे करने के चक्कर में लग गई ठीक है मिसाल वही मोहल्ले वाली दे रहा हूँ कि मोहल्ले में लड़ाई हो रही है ये तीन बंदे हैं फर्ज करने के दुनिया में यही तीन बंदे ही हैं दुनिया के मोहल्ले में लड़ाई हो रही है न्यूरलिज्म कहती है कि हाँ भी लड़ाई हो रही है और अगर आपने लड़ाई से बचना है ना तो फिर आप पार इकट्ठी करना शुरू कर दें तो क्या होगा ये भी पार इकट्ठी करना शुरू कर देगा रशिया भी वेपन्स बनाना शुरू कर देगा यू एस ए भी पार इकट्ठी करना शुरू, करना शुरू कर देगा शुरू करने का यू एस ए भी वेपन्स बनाने लग जाएगा और चाइना भी पार इकट्ठी करना शुरू कर देगा चाइना भी वेपन बनाना शुरू कर देगा तो क्या कभी ये वेपन की स्ट्रगल ख़त्म होगी कभी ये पार एकोमोलेशन की थर्स्ट खत्म होगी कभी भी नहीं तो इसीलिए ये एक आईट्रेटिव लूप एक ऐसा जनरेट होगा जिसके अंदर ये लोग फंस जाएंगे और कभी इस पार के चक्कर से निकल ही नहीं सकेंगे और कभी भी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट दुनिया में कर नहीं सकेंगे और दुनिया से कभी भी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी ये है न्यो रियलिज़म ठीक है न्यू लिबरलिज्मे ये कहते हैं कि ठीक है मान लिया कि दुनिया के अंदर लड़ाई हो रही है ठीक है ये तीन लोग आपस में लड़ रहे हैं तीन में से एक यूएसए है एक चाइना है एक रशिया है ये तीनों लोग आपस में लड़ ठीक है।, है लड़ाई इनकी हो रही है लेकिन लड़ाई को ख़त्म करने का तरीका हमेशा लड़ाई तो नहीं है ना वॉर जनरेट्स मोर वॉर आप कॉपरेशन भी तो कर सकते हैं ना ठीक है अगर आप आपस में कॉपरेशन करें आपस में कॉपरेट करें तो चीज़ें क्या हो जाएंगी चीज़ें अल्टीमेटली ठीक हो जाएंगी तो भाई न्यो रिलिज़म का और न्यूरोबरलिज़म का यही बुनियादी फर्क है कि न्यू रिलिज़म भी कहती है कि हाँ लड़ाई हो रही है लेकिन उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पार को कम्युलेट करें जबकि जो न्यू लिबरलिज़म है वो कहती है कि हाँ ठीक है लड़ाई हो रही है लेकिन उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए आप पार कम्युलेट करने के बजाय आप क्या करें आप जो है ना आपस में कॉपरेशन करें ठीक है अच्छा इस कॉपरेशन की बेस पे बस मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि एक ना अक्सर वो पूछ लेता है एक कैंटियन पीस ट्रायंगल भी बनती है कांट था उसने कैंटियन पीस ट्राइंगल भी बताई थी कि दुनिया में तीन तरह का कॉपरेशन हो सकता है पहला कॉपरेशन ये है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट बनाएं जिसके थ्रू मुल्क आपस में कॉपरेट कर सकें मिसाल के तौर पे आप यूएन बनाएं ताकि लड़ाई ना हो अब यू एन का आप चैप्टर सिक्स और चैप्टर सेवन यहाँ पे जो है ना वो पढ़ लीजिएगा और पीस ये सारा कुछ इसमें देख लीजिएगा ठीक है आप मिल के एक दूसरे को जो है ना वो जो है ना वो कॉपरेट करें दूसरा मॉडल है लिबरल कमर्शलिज़म लिबरल कमर्शलिज़म ये है कि अगेन मैं वही मिसाल दूंगा कि दुनिया दुनिया के अंदर तीन मुल्क हैं ठीक है इस मुल्क के इस मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा कमर्शियल इंटरेस्ट हों इस मुल्क के इस मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा कमर्शियल इंटरेस्ट हों इस मुल्क के इस इस मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा कमर्शियल इंटरेस्ट हों जब मुल्कों के आपस में कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे ना तो फिर भी लड़ाई नहीं होगी और तीसरा है लिबरल इंटरनेशनलिज़म जिसको आप जो ना वो रिपब्लिकन लिबरलिज्म भी कहते हैं अब रिपब्लिकन लिबरलिज्म ये है कि आप ना दुनिया के अंदर लेकर आए डेमोक्रेसी ठीक है इसको आप इस तरह समझें कि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं ठीक है थीके? दुनिया के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं उसमें नुकसान किसका होता है उसमें ज़्यादा नुकसान होता है कॉमन मैन का ठीक है तो अब आपको समझ आएगी इस रिपब्लिकन रिपब्लिकन लिबरलिज्म की कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी लेकर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को स्ट्रॉन्ग करेंगे ठीक है तो जब हर कंट्री के अंदर पीपल एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो क्या आपस में लड़ाई करेंगे आपस में लड़ाई कभी भी नहीं करेंगे तो मैंने आपको मजाक मजाक में अभी तक कितनी थीज़ करवा दी हैं आपको आ, क्लासिकल रियलिज्म इंसान गंदा है इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं और न्यू रियलिज्म दुनिया के अंदर अनारकी है इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं ठीक है क्लासिकल आइडियलिज्म कि इंसान अच्छा तो है लेकिन लड़ाइयाँ ऐसली होती हैं कि इंसान को ट्रीट किया जाता है एज ए मीन नाट एज एन एंड और क्लासिकल सॉरी न्यू लिबरलिज्म के इंसान जो है ना वो सॉरी uh, इंसान की बात नहीं है यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात है कि दुनिया का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर ही लड़ाई है लेकिन उस लड़ाई को खत्म करने के लिए आपको पार नहीं आपको किस चीज़ की ज़रूरत है कॉपरेशन की ज़रूरत है और कॉपरेशन के तीन तरीके मैंने आपको बता दिए थी ठीक है, है अभी तक हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा अब हम जाते हैं फोर्थ ग्रेड डिबेट के ऊपर फोर्थ ग्रेड डिबेट बहुत ही मजेदार है फोर्थ ग्रेड डिबेट के अंदर बड़ी ही एडवांस किस्म की थीरीज थी बड़ी एडवांस किस्म की इसके अंदर जो है ना वो गपशप है अच्छा ये आपने कंफ्यूज नहीं होना यही जो न्यू रियलिज्म है ना इसी को ही आप कह लें कि यही स्ट्रक्चरलिज्म भी यही है ठीक है स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म इसको क्यों कहते हैं क्योंकि ये स्टडी करती है वर्ल्ड स्ट्रक्चर्स को बैलेंस ऑफ पावर को देखती है ठीक है इन चीज़ों को कि एट ए ग्रैंड लेवल क्या है एक स्ट्रक्चर जो ना वो ऑपरेट कर रहा है दुनिया के अंदर जिसकी वजह से जो ना वो लड़ाइयाँ होती हैं ठीक है थीके? अच्छा फोर्थ ग्रेड डिबेट में आ, चार मेन थीज हैं पहली है कंस्ट्रक्टिविज्म दूसरी है पोस्ट मॉडर्निज्म तीसरी है क्रिटिकल थियरी और जो चौथी है वो है फेमिनिज्म अब मैं आपको ना ये थोड़ा सा इसके बारे में आड़ देता हूँ देखिए फ़िलहाल तक थर्ड ग्रेड डिबेट में हमने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया कि हाँ दुनिया में अनारकी है हमने मान लिया कि हाँ भी दुनिया के अंदर अनारकी है ठीक है जब हमने ये इस्टैब्लिश कर लिया कि दुनिया के अंदर अनारकी है तो उसके अंदर मुल्कों को कुछ मुल्कों को इस चीज़ की इजाज़त मिल गई कुछ मुल्कों को क्या हर मुल्क को इस चीज़ की इजाज़त मिल गई कि भाई वो क्या करे अपनी अपनी पार को इनक्रीज़ करे और लड़ाई जो है ना वो बिल्कुल ठीक है ठीक है कंस्ट्रक्टिविज्म पता क्या कहती है कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहती है कि अनार की क्या होती है इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कंस्ट्रक्टिविज्म इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है वो कहती है कि भाई दो मिसालें हैं आप ये देखें वो कहती है यूएस है ठीक है और यूएस की यूके के साथ भी तल्लुक हैं और यूएस के चाइना के साथ भी तल्लुत हैं यूएस यूके के पास भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और चाइना के साथ भी के पास भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं क्या यूएस को यूके की न्यूक्लियर मिसाइल से एक बहुत ज़्यादा डर है नहीं है लेकिन यूएस को चाइना और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर मिसाइल से बहुत ज़्यादा डर है मैं आगे आता हूँ अब इस बात को एक और तरीके से समझें पाकिस्तान है यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे चाइना है इंडिया के पास भी मिसाइल्स हैं और चाइना के पास भी मिसाइल्स हैं ठीक है क्या पाकिस्तान को इंडिया की मिसाइल से इशू है बिल्कुल ठीक ठाक मसला है लेकिन क्या पाकिस्तान को चाइना के मिज़ाइल से मसला है नहीं है वाई दिस इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि भाई आपने ना ये जो यूएस ने चाइना के साथ लड़ाई की और नॉर्थ कोरिया के साथ लड़ाई की बनाई हुई है ये अनारकी अनारकी नहीं है बल्कि ये कंस्ट्रक्ट है जो आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम चाइना के साथ क्रिएट कर लिया है। ठीक है और ये जो पाकिस्तान की चाइना के साथ दोस्ती है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट है जो आपने दोस्ती के जरिए बना लिया है तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहती है कि उल्लू के पट्टो अगर आप चाइना के साथ दोस्ती कर सकते हो तो आप यूके के साथ नहीं कर सकते यूएस यूके के साथ भी दोस्ती कर ले सॉरी यूके के साथ ऑलरेडी है चाइना के साथ भी दोस्ती कर ले और यहाँ पे पाकिस्तान की अगर चाइना के साथ यारी है तो भाई इंडिया के साथ भी दोस्ती कर लो ना कंस्ट्रक्ट को चेंज भी तो कर सकते हैं ना आप लोग मोटे तौर पे दिस इज कंस्ट्रक्टिविज्म ठीक है उसके बाद एक थेरी है पोस्ट मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहती है अब्दुल समद बेटा वेरी गुड क्वेश्चन स्टेट रोड कंस्ट्रक्टिविज़्म तो स्टेट रोड पे भी क्वेश्चन कर देती है ना वो तो कहती है कि स्टेट क्या है स्टेट भी तो आप लोगों ने खुद ही बनाई है ना जैसे ये थीरी आ जाती है पोस्ट में पोस्ट भी ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म से मिलती जुलती है ठीक है पोस्ट ये कहती है कि आप जब भी कोई थिरी बनाते हैं ना पोस्टमार्टम यह कहती है कि आप जब भी कोई थ्योरी बनाते हैं ना तो उस थ्योरी के अंदर आप एक नोशन ऑफ अदरनेस जान बूझ के डाल देते हैं मैं ये समझाता हूँ उसका क्या मतलब है मिसाल देता तो, हूँ आप, आप हैरान हो जाएंगे कि इस पे भी तो डिबेट हो सकती है ना असल में पोस्ट ये कहती है कि ये जितनी भी थीरीज़ बनी हुई है ना बच्चे मैं करंट अफेयर पे बात में आता हूँ पोस्ट ये कहती है कि दुनिया के अंदर जितनी भी थ्योरीज़ बनी हुई है ना ये थीरीज असल में क्या है वो कहता पोस्ट मार्टिजम ये कहती है कि ये सारी की सारी थियोरीज़ चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए हैं यार पोस्ट मॉडर्निज्म वाला में फेवरेट थ्योरीज वो कहती है कि अगर थ्योरीज ग्लोबल इन नेचर है देखिए हम कहते हैं ना कि इस्लाम ग्लोबल इन नेचर है तो इस्लाम हर बंदे की भलाई के लिए है ना हर बंदे को इस्लाम से फायदा है पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहती है कि अगर थ्योरीज ये क्लेम करती हैं कि वी आर ग्लोबल इन नेचर तो फिर हर कंट्री को इन थीरी से फायदा होना चाहिए ना मिसाल देता हूं आप हैरान हो जाएंगे न्यू लिबरलिज्म आपको बड़ी अच्छी थ्यूरी लगती होगी बड़ी अच्छी थ्यूरी है देश ठीक है आपको लगता होगा बड़ी कॉपरेशन की बात करती है ये वो पोस्टमार्टिज्म तो नहीं मानती पोस्टमार्टिज्म ये कहती है कि लिबरलिज्म जो इतनी अच्छी थीरी बन रही है लिबरलिज्म भी तो चंद लोगों को बेनिफिट कर रही है ना न्यूलिज्म यही भी कहती है ना कि आप कॉपरेशन करें ठीक है और जो कॉपरेशन नहीं कर रहा आप उसको कर दें साइड पे और उसके साथ आपकी क्या है उसके साथ आपकी दुश्मनी है मिसाल देता हूँ इसी के अंदर हमने पढ़ा रिपब्लिकन इंटरनेशनलिज्म रिपब्लिकन इंटरनेशनलिज्म के अंदर क्या था रिपब्लिकन इंटरनेशनलिज्म के अंदर ये है ना कि आप डेमोक्रेसी के जरिए Uh, सारे कंट्रीज को अगर सारे कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी होगी तो सारे कंट्रीज पीसफुल रहेंगे इसका मतलब है कि इन्होंने जानबूझ के ये नोशन ऑफ अदरनेस डाल दिया ना कि जिनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है फिर वो तो हमारे क्या है वो तुम्हारे तो दुश्मन है देखो मैं किस थ्योरी से आपको ये चीज समझा रहा हूं आपको न्यू लिबरलिज्म बड़ी अच्छी भी थ्योरी है मिसाल देता हूं एक और देता हूं न्यू वाले कहते हैं कमर्शियल क्या मैंने आपको कमर्शियलिज्म कमर्शलिज्म बताई थी अभी आपको बता कमर्शियल इंटरनेशनलिज्म मैंने आपको बताया लिबरल कमर्शियलिज्म लिबरल कमर्शियलिज्म ठीक है लिबरल कमर्शियलिज्म किसकी ऑफ़शूट है ये है आ, इसकी ऑफ शूट है वैसे नाओ यू विल अप्रिशिएट द आई आर और आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि थोड़ा सा ना आई आर को आप थोड़ा सा ना दिमाग के साथ पढ़े ना तो कोई भी आई आर मुश्किल नहीं है लिबरल कमर्शलिज़म है ठीक है आप कहते हैं कि अगर आप थ्रू ट्रेड जो है ना वो आप इंटरकनेक्टेड होंगे तो आप थ्रू पीस रहेंगे और अगर नहीं तो नहीं ठीक है अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसी को जब कटीक करती है पोस्ट वो ये कहती है कि चंद मुल्कों ने अपने आप को अच्छा बनाया हुआ है और जान बूझ के एक नोशन ऑफ अदर्नेस क्रिएट किया है और उस नोशन ऑफ अदरनेस क्रिएट करके ये दूसरे को रगड़ देते हैं मिसाल देता हूँ हम कोल्ड वार की बात करते हैं ठीक है और कोल्ड वार में एक साइड पे है यूएसए और एक साइड पे है यूएसएसआर ठीक है भाई यूएसएसआर आपके साथ नहीं खेलना चाहता लिबरल कमर्शलिज्म ठीक है नहीं खेलना चाहता वो लिबरल कमर्शलिज्म उसके अपना जो है ना वो इंटरेस्ट है वो अपनी इकोनॉमी को अपने हिसाब से देखेगा तो आपने अल्टीमेटली उसको अपना क्या बना लिया नहीं, नहीं हो, तो हमारा दुश्मन हो गया ठीक है अब आपको पोस्टमार्टिज्म की समझ आई है मॉडर्निज्म ये कहता है कि दुनिया की जितनी भी पॉपुलर थीरीज हैं वो जान बुझ के अपने अंदर एक एलिमेंट ऑफ क्या रखती हैं एक एलिमेंट ऑफ नोशन ऑफ अदरनेस रखती है कि भाई हम अच्छे हैं और वो जो है ना वो वो बुरे हैं उनको ना आप रगड़ दें ठीक है उसका हल वो यही बताता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए ठीक है जो ना रीडिंग सही तरीके से करनी चाहिए कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं होती बस उसकी इंटरप्रटेशन डिफरेंट होती है तो दुनिया की इंटरप्रटेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि जिसके अंदर नोशन ऑफ अदर नस ना हो बल्कि प्रॉपर कॉपोरेशन हो क्रिटिकल थेरी क्रिटिकल थीरी ये कहती है वैसे क्रिटिकल थेरी असल में ना इस चीज़ पे बेस्ड है ये थोड़ी ना फिनस से रिलेटेड है मतलब आपने फिनास में पढ़ा होगा कैपिटलिज्म कम्युनिज्म देखो मैं ये क्लास रवीन क्लास आ, पढ़ा रहा हूँ इसमें मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों को काफी सारी चीज़ें आती हैं ठीक है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म कैपिटलिज्म क्या है प्राइवेट ओनरशिप है और कम्युनिज्म क्या है पब्लिक ओनरशिप है अब ये बड़ी खूबसूरत बात है ये जो क्रिटिकल थ्योरी है ना ये कैपिटलिज्म पे बहस करती है कैपिटलिज्म पे क्रिटिक है अब इसका सम आप समझ लें ये कैपिटलिज्म पे क्रिटिक करती है लेकिन ये ये भी नहीं कहती कि कैम्युनिज्म अच्छा है बात समझ आई कैपिटलिज्म पे क्रिटिक करती है क्रिटिक करती है लेकिन ये भी नहीं कहती कि कम्युनिज्म अच्छा है वो कैपिटलिज्म के जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं ना उनको हाईलाइट करती है कि भाई कैपिटलिज्म के ये 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 मसाइल हैं अगर जो ना ये मसाइल ख़त्म हो जाए ना तो जो ना बड़ा बेहतरीन जो ना वो सिस्टम बन जाएगा ठीक है वो पता क्या कहती है वो कहती है क्रिटिकल थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर ऑफ़ सोसाइटी है ना जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है ना उस सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के अंदर हम आप हमारी फैमिली देख लें आप हमारा रिलीजन सिस्टम देख लें अब हमारा एजुकेशन सिस्टम देख लें आप हमारा इकोनॉमिक सिस्टम देख लें अब हमारा पॉलिटिक सिस्टम देख लें क्रिटिकल थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है ना इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमी। क्योंकि दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म है तो आपको अपनी फैमिली में अपने रिलीजन में अपनी एजुकेशन में अपनी इकोनॉमी में और अपनी पॉलिटिक्स में हर जगह आपको कैपिटलिज्म ही नजर आएगा ठीक है वो ये कहते हैं कि इसको संभाव चेंज करने की जरूरत है ठीक है वो कहता है कि इसको चेंज करने की जरूरत है और एक थ्योरी है फेमिनिज्म फेमिनिज्म को अगर आप वैसे तो उस कंटेक्स में देखेंगे जिस कंटेक्सट में वो है अगर आप इसको आयार के कंटेक्स में देखेंगे ना तो फैमिलिज़म का ये मतलब है कि दुनिया में जो मर्द हजरात हैं उन्हीं के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर वील्ड वही करते हैं ठीक है जबकि जो वुमेन है उनकी नेचर ज़रा कॉपरेटिव होती है तो उस कॉपरेशन की वजह से उस चीज़ की वजह से आपस में जब कॉपरेट करती हैं तो लड़ाइयाँ है, कम होती हैं तो इस चीज़ की भी जरूरत है कि पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो भी थोड़ी क्या होनी चाहिए तब्दील होनी चाहिए इसकी मिसाल आप स्कैंड में दे सकते हैं अंदर देखें तो काफी सारी भी पार्ट ऑफ उसका नजर आती हैं ठीक है थीके? तो उसकी भी आप जो है ना वो अगर वुमेन के पास भारत काफी तब्दील हो सकती हैं अच्छा दो और थीरीज हैं मार्क्सिजम और न्यू मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म का तो आपको सिंपली पता ही है ना मार्क्सिज्म ये कहती है कि हमारी जो सोशल लेवल पे क्लासेज हैं आप सोसाइटी हैं सोशल क्लासेस ऑफ सोसाइटी हैं एक अमीर तबका है और एक बेचारा गरीब तबका जो अमीर तबका है वो है बो और जो गरीब तबका है वो है प्रोलीटेरिएट अब इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री के मालिक कौन है अमीर तबका है ठीक है फैक्ट्रियों के मालिक कौन है अमीर तबका है और उसके बाद जब फैक्ट्रियों के मालिक अमीर तबका है तो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो किसके पास चला जाता है वो अमीर तबके के पास चला जाता है जबकि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है जो स्किल है वो किसके पास है वो गरीब तबके के पास है लेकिन इस स्किल को यूटिलाइज कौन कर लेता है सारी की सारी को अमीर तबका यूज़ कर लेता है ठीक है उसकी वजह से सोसाइटी में क्लासेस हैं जिसकी वजह से अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब तैर हो जाता है अब इसी से मैं आपको समझाता हूँ नियो मार्क्सिज्म नियो और मार्क्सिज्म में बुनियादी फर्क ये ही है मार्क्सिज्म जब क्लासेस की बात करती है मार्क्सिज्म नियो को भूल जाए जब मार्क्सिज्म क्लासेस की बात करती है तो वो किस लेवल पे क्लास की बात करती है सोसाइटी के लेवल पे हद हाँ हो गई स्टेट लेवल पे उसने बात कर दी ठीक है जो न्यू मार्क्सिज्म है ना वो बात करती है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की ये इस लेवल पे जो ना वो डिबेट करती है ठीक है आपने वो एक लाइन के बारे में पढ़ा होगा आपको बनानी भी आनी चाहिए नॉर्थ और ग्लोबल नॉर्थ अमीर और ग्लोबल साउथ गरीब ठीक है ये ब्रांड लाइन इसको कहते हैं ठीक है ग्लो ये जो न्यू मार्क्सिज्म है ये असल में इसी चीज़ पे डिबेट करती है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है मार्क्सिज्म अगेन मार्क्सिज्म कहाँ पे क्लासेस की बात करती है सोसाइटी लेवल पे न्यू मार्क्सिज्म कहाँ पे क्लासेस की बात करती है इंटरनेशनल लेवल पे वो बात करती है कि इंटरनेशनल लेवल पे जाना वो ग्लोबल क्लासेस हैं और ये जो अनार्की असल में क्रिएट की हुई है ये लॉज ऑफ कैपिटल लिस्ट ने की हुई है और ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना इसने सारे के सारे सिस्टम को क्या किया हुआ है हाईजैक किया हुआ है इसी न्यू मार्क्सिज्म को ये मोटे तौर पे आप कह लें कि इट इज इक्वल टू इंटरनेशनल थेरी भी इसको कह सकते हो आप इंटरनेशनल थेरी भी आप इसको कह सकते हो वो ये जिन लोगों ने अटैम्प्ट देनी है जिन लोगों की पहले तैयारी है कोई फ़ायदा फायदा हो रहा है रिवाइज़ रिविजन का ये मैं ऐसे खप जा रहा हूँ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कोई भी नहीं है ये एवोल्यूशन है एवोल्यूशन एवोल्यूशन ठीक है अच्छा इसी तरह की और कुछ थ्योरीज हैं कॉलोनियलिज्म है ठीक है उसके बाद आया न्यू कॉलोनियलिज्म कोई बात नहीं वीडियो सेव हो जाएगी ना दोबारा भी देख लेना न्यू कॉलोनियलिज्म और उसके बाद आया न्यू न्यू कॉलोनियलिज्म ये तीन थीरीज यूज होती हैं कलोनियलिज्म कलोनियलिज्म में जिस तरह यूके ने हमें आके अपनी कॉलोनी बना लिया दैट वॉज कलोनी ठीक है उस टाइम में भाईजान जिसकी मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी वो ही ऐज चला जाता था और वो आके दूसरों को आकोपाई कर लेता था ठीक है विद द पैसे टाइम ये आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू ये ड्रामा हो गया ख़त्म ठीक है ये ड्रामा हो गया ख़त्म और क्योंकि दुनिया के अंदर कलोनीलिज़म हो गई ख़त्म तो कुछ कलोनीलिज़म की जगह ली न्यू कलोनीज ने न्यू कलोनीजम क्या था कि जिन कंट्रीज़ का पॉलिटिकल क्लाउड ज़्यादा था अब पॉलिटिकल क्लाउड से क्या मुराद है मिसाल के तौर पे यूएस का पॉलिटिकल क्लाउड ज़्यादा था वो कंट्रीज़ को पुश करता था किस के ज़रिए थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन मिसाल देता हूँ जैसे पाकिस्तान अभी जब आईएमएफ में था तो पाकिस्तान को आईएमएफ की डील के लिए यूएस की जरूरत थी कि नहीं थी तो ये जो पॉलिटिकल क्लाउड के जरिए दो यूएस का पाकिस्तान के ऊपर देखें ये तो कलोनीलिज्म तो ये है ना कि पूरा आपके ऊपर एक फिजिकली वो कंट्रीज आके आपके ऊपर रूल कर रहे होते थे गॉटमे पॉइंट कंट्रीज फिजिकली आपके ऊपर आके रूल कर रहे होते थे दैट वॉज कॉलोनीलिजम ठीक है बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फिजिकली तो रूल ख़त्म हो गया लेकिन अब कंट्रीज़ अपने पॉलिटिकल क्लाउड के ज़रिए वीकर कंट्रीज़ को डिफरेंट तरीकों से थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डिफरेंट मोड्स अभी भी अपने कंट्रोल में रखती हैं दिस इज़ नोन एज न्यो कलिज़म ठीक है और जब आपका कंट्रोल दूसरे कंट्रीज़ की बेस पे हो जाए जब दूसरे मुल्कों की इंडस्ट्री दूसरे मुल्कों की टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों की इकोनॉमी ठीक है और ये सारी चीज़ें मेल मिला के सारी इकट्ठी चीज़ें आपके मुल्क को कंट्रोल कर रही हों इन्फ्लुएंस कर रही हों दिस इज़ नोन एज न्यो न्यो कलोनीलिज़म जी बिल्कुल कलोनीलिज़म को ही आप कह लेंगे इट इज़ आलमोस्ट इक्वल टू तो एम्पीरियलज़म इस न्यू न्यो, न्यो कलोनियलिज़म की ही वजह से आपको मुल्कों में एक आपने थ्योरी पढ़ी होगी डिपेंडेंसी थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, इसी की ही फर्दर ऑफ शूट है इंटर डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है ये डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी को आप समझे जरा वो कहते हैं कि दुनिया में ना चार किस्म के ना मुल्क हैं ठीक है दुनिया के दुनिया के अंदर चार किस्म के जो ना वो कंट्रीज हैं ठीक है वो चार किस्म के कौन कौन से कंट्रीज हैं एक हैं सीसी एक हैं पीसी एक हैं सी और एक हैं पी पी सी पी, अमीर तरीन मुल्क सेंटर ऑफ सेंटर यू एस अमीर तो हैं लेकिन थोड़े से ज़रा कम अमीर जापान जर्मनी सेंटर ऑफ सेंटर पेरी ऑफ सेंटर सी पी सेंटर ऑफ पेरी ज़रा उससे कम गरीब मुल्क जैसे इंडिया ब्राज़ील ठीक है और पी पी पेरी ऑफ पेरी सबसे गरीब मुल्क होता क्या है होता ये है कि आयरन और आयरन और निकलती कहाँ से है मिसाल दे रहा हूँ निकलती है इथोपिया से रॉ मटेरियल ठीक हो गया आयरन और जाती है पेरेफ्री ऑफ पेरेफ्री से निकल के ब्राज़ील या इंडिया में चली जाती है ठीक है सेंटर ऑफ पेरेफ्री यहाँ पे उस आयरन ओर से क्या बनता है आयरन ओर से एलमिनियम बनता है एक ज़रा उससे अच्छी क्लास आयरन ओर से स्टील बनता है ठीक है और उसके बाद वो स्टील किधर चला जाता है उससे ज़रा अमीर मुल्क में जहाँ जरा उससे अच्छी इंडस्ट्री होती है जैसे जर्मनी चला जाता है या जैसे जापान चला जाता है वहाँ से उस एलोमियम से बनते हैं एरोप्लेन और वो एरोप्लेन कहीं और पे बनता है लेकिन उस एरोप्लेन को जो कंपनी ओन करती है बोइंग वो बोइंग का दफ्तर किधर होता है वो दफ्तर होता है यू एस ए में इसमें नेचुरल रिसोर्स किस इस्तेमाल हो रहे हैं सबसे गरीब मुल्क के तो भाई वो गरीब मुल्क था? इसको भी सर्व कर रहा है वो गरीब मुल्क इसको भी सर्व कर रहा है और वो गरीब मुल्क, था? था? वो मुल्क इसको भी सर्व कर रहा है उसके बाद सेंटर ऑफ पेरीफ्री इसको भी सर्व कर रहा है और सेंटर ऑफ पेरीफ्री इसको भी सर्व कर रहा है और जो पेरीफ्री ऑफ सेंटर है वो कर रहा है सेंटर अब तीनों जन्म वो दायरे की तरफ जा रहे हैं एरो की तरफ जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है ठीक है वो फिर ये जो इस तरह के कंट्रीज होते हैं ना छोटे जैसे पाकिस्तान है जैसे इथोपिया है साउथ एशिया के गरीब मुल्क हैं साउथ अमेरिका के गरीब मुल्क हैं इनको जी जी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी यस इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से वो डिपेंडेंट रखते हैं ताकि ये लोग कभी भी अपने सर ना उठा सकें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी असल में ये कहती है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी असल में ये कहती है कि क्या जो मुल्क आज गरीब हैं क्या वो अपने मुल्क में करप्शन की वजह से गरीब हैं नहीं क्या वो मुल्क अपने ख़राब पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से गरीब हैं नहीं वो मुल्क क्यों गरीब हैं वो मुल्क वर्ल्ड सिस्टम थियरी वो मुल्क डिपेंडेंसी थ्योरी की वजह से गरीब हैं कि जो इंटरनेशनल एलिट है उन्होंने उन मुल्कों को इतना हाई जैक कर लिया है कि वो अब अपनी डोमेन से बाहर ही नहीं निकल सकते और अपने आप के लिए वो मुल्क कुछ भी नहीं कर सकते यार कितनी थीरीज पढ़ा दी तुम लोगों को जी जी बिल्कुल वाई नेशन फेल में ही तो उसने लिखा हुआ है आप मोटे तौर पे मैंने आपको ना वाई नेशन फेल का वो जो ना तर्जमा पढ़ा दिया है वाई नेशन फेल्स के अंदर ना जब बुक स्टार्ट होती है ना उस बुक के अंदर एक इतना प्यारा आर्गुमेंट है ना आप पता नहीं बुक्स को किस तरह पढ़ते हो बुक्स को ना थोड़ा सा ना डीप में जा के पढ़ा करो वो ना बड़ा प्यारा एक ना एक आर्गोमेंट लेता है मैं आपको बताता हूँ आप उस आर्गोमेंट को पेपर में भी यूज़ कीजिएगा कि ये नॉर्थ अमेरिका है ये कनाडा है ये यूएसए है और ये मैक्सिको है ठीक है मैक्सिको की मैक्सिको का यूएसए के साथ जो बॉर्डर है ना इसके ऊपर एक स्टेट है एरिजोना और मुझे ना यहाँ पे मेक्सिको की भी एक स्टेट है मुझे उसका ना नाम नहीं याद आ रहा आप फर्ज करने को उसका नाम एक्स है बच्चे ये थ्योरी समझना है और ये बड़ा प्यारा आर्गमेंट है आप अक्सर पेपर में भी इस्तेमाल करना ये डिपेंडेंसी थ्योरी ये जो आपकी डिपेंडेंसी थ्योरी आपको पढ़ाई है आपकी इंटर डिपेंडेंसी थी पढ़ाई है आपको ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ाई है ठीक है ना ये उसके अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट है आप बुक का भी जो ना रेफरेंस दे लेना वाई नेशन फेल ये बुक मैंने आज से कोई दो साल पहले पढ़ी थी पता नहीं ये आर्गोमेंट मेरे इतना स्ट्रॉन्ग जेन में बैठा हुआ है ना आप इसको समझें वो स्टार्ट करता है यहाँ से नॉर्थ अमेरिका के अंदर यू एस ए बिल्कुल साथ है मैक्सिको के ये बॉर्डर पर ना यू एस एक स्टेट है एरिजोना यहाँ पर ना नीचे एक स्टेट है मैक्सिको की मुझे उसका ना नाम नहीं याद आ रहा आप फर्ज कर लें कि वो स्टेट का नाम है एक्स वो कहता है कि यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे एक शहर है ऑफर्स कर लें वो शहर है नुगेल्स और ये सनोरा समथिंग लाइक दिस नुगेल्स ठीक है वो कहता है कि एक नुगेल्स ऊपर है यूएस में जो है नुगेल्स एरिजोना और एक नुगेल्स का वही वाला पार्ट नीचे है एक्स स्टेट जो मैक्सिको के नुगे एक्स या नुगेल्स एक्स कह लें आप मेक्सिको का जो नुगेल्स है इस नुगेल्स एरिजोना में सिमिलर किस्म के लोग रहते हैं उनके पास ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म का उनका हैबिटेट हा, है सिमिलर किस्म का उनका कल्चर है लेकिन उन लोगों की पर कैपिटा इनकम उन लोगों का लाइफ स्टाइल उन लोगों की नुगेल्स एरिजोना और नुगेल्स एक्स के जो लोग हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है क्यों तो जवाब उसका ये डिपेंडेंसी थ्योरी है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है कि वो जो कंट्रीज हैं वो उनको कभी आगे निकलने ही नहीं देते रवीन क्लास है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता उसके बाद तीन थ्योरीज हैं एक नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन नेशनलिज्म जब आप सिर्फ अपने ही मुल्क की बात करें जब आप अपने मुल्क की बात करेंगे भाई मेरा मुल्क और मेरा मुल्क बस उसके अलावा आप किसी और कंट्री की जो ना वो चीजों को ही ना करें ठीक है इंटरनेशनलिज्म थोड़ा सा कह लें कि ऊपर का लेवल है और ग्लोबलाइजेशन तो बिल्कुल ही उससे नेक्स्ट लेवल है कि जब आप अपने मुल्क की नहीं बल्कि किसकी बात करें इंटरनेशनल लेवल की बात करें लेकिन ग्लोबलाइजेशन अगेन नेशन स्टेट सिस्टम का जो नेशन स्टेट सिस्टम है ना तुम लोगों ने पढ़ा होगा कोई मेरे स्टूडेंट भी हैं ना इसमें नेशन स्टेट सिस्टम को ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है आई थिंक दीज थ्योरीज आर इनफ अब ना अगला एक सवाल आता है कि सर थ्योरीज़ को ना अप्लाई कैसे करें ना एप्लीकेशन मुझे अब इस चीज की समझ नहीं आती कि यार ये जो की एप्लीकेशन है ना वो सबसे आसान काम है सबसे आसान काम है ठीक है इसके लिए एक पुरानी ही मिसाल है मैं वही रिपीट करूंगा ठीक है अक्सर मैंने पहले भी रिपीट की है एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की पुरानी रिपोर्ट है ग्लास हाफ फिल्ड लेट मी चेक लिखा सॉरी रिपोर्ट का पूरा नाम है रिपोर्ट का पूरा नाम है ए ग्लास हाफ फुल द प्रॉमिस ऑफ रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया ये उस रिपोर्ट का नाम है प्रोमिस ऑफ रीजनल यार देखो ये ना मेरी कोई रेगुलर क्लास तो है नहीं जब मैं तो अपना बैच पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं तो पाँच पाँच लेक्चर जो ना तीन तीन घंटे के वो सिर्फ़ होते ही थीरीज़ पे हैं तो मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों को चीज़ें आती हैं इट इज़ माई एजम्पन अच्छा इस रिपोर्ट के मुताबिक ना इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक्चुअल ट्रेड है वो लेस दैन टू बिलियन है टू बिलियन डॉलर है और जो पोटेंशियल है ट्रेड का वो मोर देन फिफ्टी बिलियन डॉलर है ठीक है तो ये आपको क्या नजर आ रहा है यहां पे आपको नजर आ रहा है न्यू रियलिज्म ठीक है यहां पे आपको नजर आ रहा है मर्केंटाइलिज्म यहाँ पे आपको नजर आ रही है पार स्ट्रगल यहाँ पे आपको नजर आ रही है जीरो सम गेम ठीक है अब इसको अप्लाई कैसे करना है भाई जब भी पाकिस्तान इंडिया के पाकिस्तान इंडिया के नहीं दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर जो सारे के सारे रिलेशंस हैं वो सारे के सारे हमेशा किस डोमेन में होंगे आपको नज़र आएगी न्यूरलिज़म ऑल ओवर द ग्लोब रिलेशंस में आपको नज़र आएगी वर्ल्ड सिस्टम थियोरी आपको नजर आएगा नेशनलिज्म आपको नजर आएगा मर्केंटाइलिज्म आपको नजर आएगा जीरो सम गेम आपको नजर आएगी गेम थियरी आपको नज़र आएगा प्रिजनर्स डायलमा आपको नजर आएगा बैलेंस ऑफ आपको ना इस तरह की चीजें नजर आएंगी जो दुनिया का इंटरेक्शन है अब इन थ्योरीज को आप इंडो पाक इन थ्यूरीज को आप रसो यूक्रेन इन थरीज को आप यूएस चाइना और जितने भी क्वेश्चन इस तरह के हों के आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जी बिल्कुल ठीक है लेकिन जब आपने कंक्लूजन पे आना है आपने अपनी रेकमेंडेशंस भी आना है ठीक है तो आप इन थीज को चेंज कर दें आप कहें कि हमें न्यू लिबरलिज्म कुछ और बताती है आप कहें कि हमें कंस्ट्रक्टिविज्म एक नया थीम देती है आप कहें कि लिबरल कमर्शलिज़म को प्रमोट करना चाहिए आप कहें कि इकोनॉमिक इंटर डिपेंडेंस को जो ना वो प्रमोट करना चाहिए ठीक है आप कहें कि सम सम गेम को जो ना वो प्रमोट करना चाहिए ठीक है मतलब एंड पे आपने सारी, सारी की सारी कॉपोरेशन की बातें करनी है अब इनको अप्लाई कैसे करना है अप्लाई ये करना है कि ये आपने एक पैराग्राफ लिखा पाकिस्तान और यू एस और चाइना के रिलेशन पर हम बात कर लेते हैं आप स्टार्ट यहाँ से करें कि द रिलेशन्स बिटवीन द यू एस एंड चाइना आर नॉट स्मूथ Both countries are competing in different domains. New realism better explain. करंट फ्रेम वर्क ये बागे न्यू रिजन को तो चेक दें तो आपकी थ्योरी अप्लाई हो जाएगी थ्योरी अप्लाई करना मतलब कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है आपका जो करंट अफेयर का पेपर है उसके अंदर आपने थिरेटिकल एप्लीकेशन करनी है अल्लाह लख करंट अफेयर का मतलब ये है कि जो आपका आई आर पार्ट टू है ना उसके अंदर आपने सॉरी थ्योरी अप्लाई करनी है ठीक है भाई यही थीरी का पार्ट सबसे मुश्किल होता है आई के अंदर जो मैंने सोचा कि आज मैं तुम लोगों को पढ़ा दूँ आई होप आई हैव डन क्वाइट अ जस्टिस ठीक है तो मुझे दो हज़ार तेईस के आप लोग तैयारी कर रहे हो तो यू गैज नोज बेटर तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि कल जो है ना वो छः बजे अगर एक से ज़्यादा अप्लाई होती है तो कर दें अगर एक से ज़्यादा अप्लाई हो रही हैं थ्योरीज तो भाई इसका टैक्स एक्सप्लेन हो रहा है वो अगर सिमिलर है तो उसका मतलब है तभी जो ना वो सेम थ्योरीज अप्लाई थे हो रही हैं ना अदरवाइज नहीं ना हो रही पार्ट वन में तो वो सीधा सीधा पूछेगा ही थ्योरीज के बारे में ना उमर खरल देखो मैंने यही तो बताया ना कि आप जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे आप जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो वो हमेशा ग्लोबल पॉलिटिक्स आपको कंपटीशन की शक्ल में नजर आएगा ठीक है वेबसाइट तो बड़ी बड़ी है आईआर की थीरीज के हिसाब से तो देख लें वेबसाइट तो आपको गूगल पर सर्च करेंगे मल्टीपल मिल जाएंगे आपको और जब आपने क्वेश्चन एंड करना है रिजवान वन में तो होती थी, थी यार आप लोगों तो ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और इस के साथ तो बिल्कुल भी आप पास नहीं हो सकते किस टीचर से पढ़ते रहे भी तुम भाई मैं तो रिवीजन क्लास ले रहा था क्या रिवाइज़ हो जाएगा तुम लोगों का तुम तो सोर्स पूछ रहे हो ऐसे तो नहीं होता सी मेरी जान चलो बहर यार मैंने इंसाफ कर लिया है जो मैंने करना था कल इनशाला मैं कोशिश करूँगा कि छः बजे तुम लोगों का जो ना वो लेक्चर लूँ मैं एक रिव्यू इन यू एस हिस्ट्री का तो उसके बाद हम आगे चलेंगे वेबसाइट वगैरह यार खुद सर्च किया करो बड़ी बड़ी हैं जो है ना यूट्यूब वेबसाइट्स और इंटरनेट पर जस्ट सर्च दें मैन यूड फाइंड इट ईजीली कोई लोचा ही नहीं है ठीक है अपना ख्याल रखें बहुत सारा अल्लाह हाफिज़ यार ये हाँ बिल्कुल ये होनी तो चाहिए